अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आप लोगों के लिए मैं अरबी गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही क्विक और टेस्टी हम बना के तैयार करेंगे। इसके लिए हमने देखिए कुकर में 4 से 5 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है, 1 चम्मच जीरा है, थोड़ी सी लौंग है, आधी चम्मच काली मिर्च है और 1 बड़ी इलायची है। ये सारी चीजें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और जब अच्छे से ये स्प्लिटर हो जाएंगे तो ये 2 मीडियम साइज के प्याज हैं जो मैंने स्लाइसेस में कट कर लिए हैं वो यहाँ पे हम तेल में डाल देंगे और इसको भी हम तेल में फ्राई कर लेंगे। इसे हमने बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, जस्ट हमारी प्याज में ट्रांसलूसेंट कलर आने तक इसको हमने फ्राई करना है। जब इस तरीके का कलर आ जाएगा हमारी प्याज में तो उसके बाद हमने 1/2 किलो ये गोश्त लिया है जिसे हमने धो के साफ कर लिया है वो यहाँ पे हम तेल के अंदर ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसको भी हम प्याज के साथ और तेल के साथ फ्राई कर लेंगे। इससे जो थोड़ी बहुत और जो गोश्त में हमारी स्मेल वगैरह होती है वो भी अच्छे से निकल जाती है। तो आप इस टाइम पे जरूर भूनिएगा और इसे इतना भूनना है कि इसकी जो बोटियों का कलर है वो थोड़ा सा व्हाइट सा हो जाए। ये देखिए, अब उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 ही चम्मच यहाँ पे लहसुन का पेस्ट और इसे भी डालने के बाद हमने बहुत अच्छे से इनको भूनना है। तो गोश्त में मेन काम होता है सबसे अच्छा भूनना, जितना आप अच्छे से गोश्त को भूनते हैं उतना ज्यादा वो टेस्टी बनता है। अब इसे भूनने के बाद हम यहाँ पे कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे जिसमें 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर। ये देखिए, धनिया पाउडर डालने के बाद हमने डालनी है 1 चम्मच यहाँ पे रेड चिली पाउडर, ये तीखी वाली रेड चिली पाउडर है और ये मिर्च जो है आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। नमक यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के, नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 चम्मच रेड चिली जो कश्मीरी वाली होती है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर जो कम तीखी होती है जिससे बहुत अच्छा सा हमारी ग्रेवी में कलर आता है। अभी डालने के बाद हम अच्छे से सारी चीजों को भून लेंगे परफेक्टली। ये देखिए, इस तरीके से हमें इतना भूनना है कि हमारा जो ऑयल है वो ऊपर आने लगे, मसाला नीचे बैठ जाए, इतना ज्यादा हमने इसको भूनना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारा जो है तेल वो रिलीज होने लगा है मसाले में से। और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसमें पानी। पानी में यहाँ पे तकरीबन 2 ग्लास के आसपास ऐड कर रही हूँ, 1/2 किलो गोश्त है तो 2 ग्लास में हमारा परफेक्टली ये गोश्त गल जाएगा। और इसको हमने पानी डालने के बाद लीड लगाकर कम से कम 5 सीटियां लेनी है क्योंकि थोड़ा सा बड़े का गोश्त है तो इसे गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 5 सीटियां हम लेंगे, उसके बाद इसका नॉर्मल प्रेशर रिलीज होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हमारे जो 5 सीटियां आ चुकी थी और उसके बाद मैंने प्रेशर रिलीज होने दिया। आप देख सकते हैं सारा जो ऑलमोस्ट पानी है वो खुश हो चुका है, बाकी का जो रह गया है वो अब हम खुश करेंगे और परफेक्टली हमारा गोश्त भी यहाँ पे जो है वो गल चुका है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा दही ऐड करेंगे थोड़ी सी खटास के लिए ताकि हमारी जो ग्रेवी है बहुत अच्छी सी बने। तो मैंने ये तकरीबन 100 ग्राम के आसपास दही जो फेंट के ले लिया था अच्छे से वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। और मैं आपको ये दिखा देती हूँ, देखिए गोश्त भी हमारा कितना गला है कितना नहीं गला। ये देखिए अगर बहुत गर्म है, ये मैं इसको हल्के से भी तोड़ रही हूँ तो ये हाथ से टूट रही है, तो दैट मीन्स ये परफेक्टली गल चुका है। बाकी जो थोड़ी बहुत इसमें कनी बाकी है वो जब हम अरबियां गलाएंगे तो उसके साथ ही परफेक्टली गल जाएगा। बहुत ज्यादा गला हुआ गोश्त मतलब नहीं अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हैं बहुत बिल्कुल गला हो तो आप वो भी बिल्कुल इसमें 1-2 सीटियां फालतू भी ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम भून लेंगे और जब इसका मसाला भी मतलब ऑयल से सेपरेट होने लगेगा इस तरीके से खूब जब भून जाएगा ये और रिलीज हो जाएगा तब हम यहाँ पे हमारी जो अरबियां हैं वो डालेंगे। ये 300 ग्राम अरबियां हैं जो मैंने छील के धो लिया है, अच्छे से साफ कर लिया है, वो यहाँ पे अब ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मसालों में हमने मिक्स करके भूनना है। इस टाइम पे आप जरूर भूनिएगा अरबी डालने के बाद क्योंकि अरबियों में थोड़ा सा इसका टेस्ट और जो मसालों का और तेल का होता है वो थोड़ा सा बैठ जाता है। तो इस तरीके से हमने 3 से 4 मिनट भून लेना है और उसके बाद हमने 3 छोटी वाली मिर्चें और 1 बड़ी वाली मिर्चें कम तीखी वाली जो होती है वो ऐसे रफली मैंने काट ली है और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी। ये आप जरूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा हमारी ग्रेवी के अंदर। अब जब ये अच्छे से सारी चीजें भून जाएंगी तो उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड करना है इसे गलाने के लिए पानी, और पानी हमें इतना ऐड करना है कि हमारी जो अरवी है वो गल भी जाए और जो हमें ग्रेवी चाहिए जितनी हमें थिकनेस चाहिए उतनी हमारी ग्रेवी रह भी जाए। तो मैंने तकरीबन 3 ग्लास यहाँ पे पानी ऐड किया है टोटल
और पानी डालने के बाद हम इसकी लीड लगाएंगे। लीड लगाने के बाद देखिए अरबियां गलने में थोड़ा सा आलू के कंपेरिजन टाइम लगता है, उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे। जब इस तरीके से हल्का हल्का बॉईल आने लगेगा और बाकी का धनिया हम बाद में ऐड करेंगे, इससे भी आपकी जो ग्रेवी है बहुत खुशबूदार सी बनेगी। और अब ये हम 3 सीटियां ले लेंगे और उसके बाद नॉर्मल हम प्रेशर रिलीज होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, सीटियां आ चुकी है, प्रेशर रिलीज हो चुका है। ये देखिए हमारी जो ग्रेवी, जितनी हमें इसकी लिक्विडिटी या थिकनेस चाहिए थी परफेक्टली हमें मिली है इस टाइम पे, इतनी ही हमें हमारी ग्रेवी चाहिए। बाकी ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और मैं अरबियां भी आपको एक बार दिखा देती हूँ हमारी गली ही की नहीं गली। देखिए मेरी ज्यादा बड़ी अरबियां नहीं थी, छोटी अरबियां थी, तो मेरी आराम से 3 सीटी में इस तरीके से देखिए परफेक्टली गल चुकी है। बाकी आप अगर बड़ी अरबियां डालते हैं तो 1 सीटी और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और इसके बाद जो बाकी का बचा हुआ धनिया है वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसे ढक देते हैं। और फाइनली मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए मजेदार से आलू रेसिपी बन करके तैयार हो चुकी है और परफेक्टली हमने इसे बना के टेस्टी तैयार किया है। बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है, बहुत जल्दी बनती है, तो एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। चलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।